हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड नॉलेज। आज मैं बात करने वाला हूँ एक रिक्रूटमेंट का जो ऑफर किया है क्रिप्सको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। दे ऑफर्ड दिस रिक्रूटमेंट ओनली फॉर सम कैंडिडेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा, तो अच्छे से देखना क्योंकि ये ओनली फॉर सिलेक्टिव कैंडिडेट के लिए है। तो पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है, क्रिप्सको वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपको ऐसा एक इंटरफेस देखेंगे। एक क्रिप्सको क्या है, एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें बहुत मार्केटिंग ऑफ केमिकल एंड इनके प्रोडक्शन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो इसके लिए जो जो ये फील्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एपी, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान एंड उत्तराखंड के लिए ये जॉब ऑफर किया गया है। तो इसका जो कंसोलिडेटेड सैलरी है 34,000 पर मंथ, एंड पे स्केल आपका होगा 34,000 to 76,000। तो दिस इज़ ह्यूज अमाउंट फॉर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट। देख लेते हैं इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो सबसे बड़ी बात है कि एलिजिबल क्राइटेरिया है बीएससी एग्रीकल्चर ओनली फॉर हु दोज आर कॉम्प्लीटेड देयर बीएससी एग्री डिग्री फोर्थ ईयर डिग्री कोर्स विद मिनिमम 65 मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। तो जिसका बीएससी एग्रीकल्चर कॉम्प्लीट हो गया है तो वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। और जिसमें एज लिमिट है 23 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए, एंड कैंडिडेट बोर्न ऑन और आफ्टर 1/4/1996 शुड ओनली अप्लाई दोज कैंडिडेट देयर एज लिमिट 23rd। तो 23rd एज लिमिट के बाद कोई अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। और जो कैंडिडेट बोर्न ऑन आफ्टर 1/4/1996 दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ओनली फॉर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट 65% मार्क्स एंड 23rd ईयर्स लिमिट तक आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसका उस स्टेट का आपका लैंग्वेज जानना चाहिए, रीड राइट एंड स्पीक अच्छे से करना चाहिए। एंड इसका जो एप्लीकेशन फीस है 450 100। तो इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप उसको अगर जब फिलअप करेंगे तब जान पाएंगे। और इसका जो जो डेट है, इसका जो लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट है दिखा रहा हूँ, लास्ट डेट है 28/10/2019 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट है 17/11/2019। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं इसके बाद क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। यहाँ पे देखो मूव टू नेक्स्ट स्टेप, अगर मूव टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो फील्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको पूरा ये जो फिलअप है ये करना होगा। तो इसके बाद रजिस्टर्ड नाउ, ठीक है ना, रजिस्टर करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जो भी स्टेट का जो भी स्टेट के लिए डालेंगे यहाँ पे सब पूरा दिखाएगा, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो फिलहाल मैं वेस्ट बंगाल डाल लेता हूँ। उसके बाद आपका फुल नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो इसके बाद अगर ये फिल करेंगे तो ही ये आगे जाएगा। ये फिलअप कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये फिलअप कर ले, इसके बाद कंटिन्यू ना कर करोगे। कंटिन्यू करने के बाद एक ईमेल आएगा, जो ईमेल आपका जीमेल में जाएगा। ये जीमेल अब ऐप करेंगे तो इसका ओटीपी भी आएगा। इस ओटीपी आपको डालना होगा 327313, इसका आएगा नया कुछ ईमेल है। यस, इस ईमेल को आप कर लेंगे 648780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 6487
इसको करने के बाद अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट अगर ये कंप्लीट करेंगे तो देखो यहाँ पे पूरा बेसिक डिटेल्स आपको जानना यहाँ पे देना पड़ेगा, आप कहाँ पे हो, कौन सा ईयर में हो, और उसके बाद नेक्स्ट में बेसिक डिटेल में देखो उसका तुम्हारा फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, मेल और मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड हो गई, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, इसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप तुमको डालना पड़ेगा। और टेस्ट जो सेंटर है इसका प्रेफरेंस के लिए ये बहुत अजीब सा है क्योंकि ये सिर्फ 5 टेस्ट सेंटर है, नोएडा में है, उत्तर प्रदेश जो है भोपाल में, मध्य प्रदेश में है, अहमदाबाद गुजरात में है, एंड हैदराबाद तेलंगाना और रांची झारखंड, सिर्फ ये 5 स्टेट के लिए आप टेस्ट सेंटर इसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एडुकेशन डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, आप 10, 12 एंड बीएससी का डिग्री पूरा फुल डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट एंड सिग्नेचर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फीस पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए। तो यही है फ्रेंड, तो इसके लिए अच्छे से आपका जो डेडलाइन है ये डेडलाइन अच्छे से याद रखिए, ये डेडलाइन है 17/11/2019। एक टेंटेटिव कंप्यूटर जो बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका शायद 1 December 2019 हो सकता है, तो ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये टेंटेटिव डेट हो सकता है। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।